नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारा भारत माता की, भारत माता की। डांटिया मामा के गाता स्थापना के अवसर पर आसपास के जिलों से गुजरात, बड़वानी, जोबट और चांदपुर के आसपास से आए हुए सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, सबसे पहले सबको राम राम। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर हमारी बेटियां भी उपस्थित है, बेटे भी उपस्थित है और हमारे बुजुर्गों भी उपस्थित है। आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज चांदपुर जैसे छोटे से गांव में डांटिया मामा की मूर्ति की स्थापना की है और जो स्थापना करने वाले चांदपुर के हमारी टीम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, डांटिया मामा कौन है, क्या है डांटिया मामा, उसके बारे में हमको समझने की आवश्यकता है। डांटिया मामा खंडवा जिले के पास में एक गांव है और डांटिया मामा ने जब जल और जमीन, जल जंगल जमीन की जब लड़ाई लड़ी अंग्रेज के सरकार के खिलाफ, उन्हें आवाज बुलंद करी और आज डांटिया मामा आज हम सब के बीच में लिए वो बलिदान हुए हैं। और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, हम सब लोग डांटिया मामा से प्रेरणा लेके हम हमारे अधिकार की हमको लड़ाई लड़ना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आदिवासी भाइयों बहनों के लिए विकास की अनेक योजना आज संचालित की जा रही है, उस योजना का लाभ हम सब लोग उठाएं और जब सरकार की योजना का लाभ हम ठीक से उठा सकेंगे तो हमें आगे बढ़ने से आदिवासी भाइयों बहनों को कोई रोक नहीं सकता मेरे भाइयों बहनों। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमको शिक्षित होने की आवश्यकता है, हमको जागरूक होने की आवश्यकता है और जो हमारे में कमी है उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है मेरे भाइयों बहनों। जो हमारे समाज को कमजोर कर रहा है ऐसी चीजों को हमें त्यागने की आवश्यकता है, जो चीज है उसे अपनाने की आवश्यकता है, जो हमको आगे बढ़ा सकता है ऐसी चीजों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आज हमारे समाज में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके समाज से आता हूँ, मैंने भी गांव-गांव देखे, मैं भी 20-25 साल से लगातार आपके गांव में घूम रहा हूँ, फले में घूम रहा हूँ, अलीराजपुर के जिले के फले फले में मेरा जाना हुआ है, गांव-गांव में जाना भी हुआ। लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी पूजा है, पद्धति है, आज मैं आप सब भाई को कहना चाहता हूँ, बाबा देव को कितने लोग मानते हैं बता, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हम सब लोग बाबा देव को मानने वाले लोग हैं। आप लोग बताओ, जब हम धरती माँ की पूजा करते हैं, कोई की काम की शुरुआत करते हैं, बाबा गणेश का नाम लेते नहीं लेते बताओ, कार की पूछ डालते बताओ, बाबा गणेश की पूछ सबसे पहले डालते कि नहीं डालते बताओ। हम बाबा गणेश के पूजने वाले लोग हैं, हम जंगल को पूजने वाले लोग हैं, हम धरती माँ को पूजने वाले लोग हैं, हम नर्मदा माँ को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान को पूजने वाले लोग हैं। और आज मैं आप सब भाइयों बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, श्रावण महीना चल रहा है, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, अभी पूरे देश में कावड़ यात्रा चल रही है और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, कावड़ यात्रा भी अलीराजपुर जिले में निकल रही है, कावड़ यात्रा में हमको भाग लेना चाहिए और माँ नर्मदा का जल लाके हमारे बाबा देव में जल अभिषेक करना चाहिए। अगर हमारे गांव में भोलेनाथ का मंदिर है तो भोलेनाथ पे माँ नर्मदा जी का जल लागे के हम सबको अभिषेक करना चाहिए। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में 15 तारीख आ रही है, देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आज मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, अगर ये देश
आज हम आजादी में जी रहे हैं, आज आजाद होकर घूम रहे हैं। अगर टाइम टाइम अमानी होते तो ये देश आजाद हो जाता क्या? आज भगवान बिरसा मुंडा जी नहीं होते तो ये देश आजाद हो जाता क्या? अगर चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए नहीं लड़ते तो ये देश आजाद हो जाता क्या? सुखदेव इस देश के लिए नहीं लड़ते तो हमको आजादी मिल जाती क्या? अगर ये भगत सिंह इस देश के लिए नहीं लड़ते तो ये देश आजाद हो जाता क्या? बताओ, आज देश आजाद हुआ है। हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख के पहले हर घर पर तिरंगा झंडा लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बताओ। अरे तिरंगा झंडा लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बताओ। अरे हमारी आन बान और शान तिरंगा झंडा है, इसलिए हर एक घर पर तिरंगा झंडा लगना चाहिए 15 तारीख के पहले। ये हमको संकल्प लेना चाहिए। और आने वाले 19 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है। राखी कौन कौन बांधता जरा हाथ खड़े करो। बोला बहने राखी बांधना आती कि नहीं आती? 19 तारीख को राखी आ रही है और हमारी सारी बेटियां भाई को राखी बांधती कि नहीं बांधती? बताओ। हमारी बहनें भी राखी, बेटियां भी बहन राखी बांधती है, बहनें भी राखी बांधती है और हमारे सब भाई लोग हमारी बहनों से कलाई पे राखी बंधवाते हैं। और मैं आप सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि 19 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राखी मनाने के लिए लाडली बहना, जो हमारी लाडली बहना को 1250 रुपए महीना देते हैं, लाडली बहना को राखी मनाने के लिए कल सबके खाते में 250 रुपए आएंगे। मेरे भाइयों बहनों सबकी खातों में 250 रुपए आएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार हमारी बहनों को बढ़ाने के लिए, भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकार काम करे। लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो कमियां हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, उनको कहीं ना कहीं हमको समाज के लोग बैठ के दूर करना चाहिए। आज समाज में क्या हो रहा मैं देखता हूं। आज बताओ, आज हमारा कोई भाई बेटा है, भाई बेटा मिल जाए तो अपने को खुशी होती कि नहीं होती? बता, होती ना? अगर भाई बेटा मिल जाए हमको बहुत खुशी होती कि यार मेरी जात का मिल गया। लेकिन अभी देखने मारा, पुराने लोगों को मालूम है भाई बेटों से भाई बेटे पे कोई शादी करता क्या? बता, भाई बेटों में भाई बेटे कोई शादी करता? बता, ये होना चाहिए क्या? आजकल तो भाई बेटों भाई बेटों में शादियां करें, ये कहां का कल्चर आ रहा मेरे भाइयों बहनों? ये कहां का कल्चर है? मैंने कभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों में ये नहीं देखा। लेकिन आज नए नए लड़के नया नए लड़कियां भाई को भी नहीं देख रहे, बहन को भी नहीं देख रहे, कोई माँ को भी नहीं देख रहे। ये हमको विचार करना पड़ेगा। और हमारे समाज में जब लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है तो गुना कितना लेते हैं? बता, गुना कितना लेते हैं अपन? मैं तो देखता झाबुआ में गए तो 5-5 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख गुना ले लेते हैं। और मैं सब बेटियों से कह रहा हूं, आज ये संकल्प होना चाहिए हमारी बेटियां कोई पगड़ी बांधने के लिए हम नहीं रखेंगे। कोई पगड़ी बंधवाएगा बहनों को? बताओ, कोई बेटियों को पगड़ी बंधवाएगा क्या? कोई बहन बेटियों को पगड़ी नहीं बंधवाएंगे। सबकी शादियां होगी, लेकिन शादी होगी तो शादी होना चाहिए। अगर कोई बेटी अगर किसी लड़के को पसंद करती है और उसको शादी करना है, आप लड़के वालों को बुलाओ और घर बिठाओ और उसके बाद शादी कर देंगे। लेकिन हमारी बेटा बेटी आज लड़की लड़के राजी मर्जी से भग जाते हैं और उसके कारण सबसे ज्यादा पैसा अगर बर्बाद होता है तो सिर्फ गुनों ने दंड में बर्बाद होता है। मेरे भाइयों बहनों, क्या हमारा समाज विकास कर सकता है क्या? आज बताओ, अलीराजपुर जिले की बात करता अपन, बाकी जिलों की बात नहीं करते। आज मैं देखता हूं कि अलीराजपुर जिले में हमारी बेटा बेटी जब शादी करते भाग के तो पूरे जिले में कम से कम 5,000 से 7,000 बेटे और बेटा भग जाते। अब गुना कितना लगता? जोड़ लेना पैसे, जोड़ लेना। और हम जब समाज के
पटेल, तड़वी सरपंच, हम सब लोग बैठ के उसका झगड़ा तोड़ते हैं। और झगड़ा तोड़ते तो डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए लगते हैं, और जब डेढ़ लाख दो लाख रुपए ले लेते हैं उसका बाद पूछते दूसरे दिन क्यों रे पैसों का क्या करा, तो कहता दारू पी गए, बकरे खा गए। पैसा किसी के काम आता क्या बताओ? आप दारू पियोगे रस्ते में जाके आप पेशाब कर दोगे, अगर बकरे मार के खाओगे, अभी खाया तो शाम को जाके खत्म कर दो। लेकिन पैसे का बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया बताओ? पैसे बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? आज बताओ, एक लाख डेढ़ लाख रुपया हम कितनी मेहनत से कमाते हैं बताओ? मैं तो देखता हूँ मेरे आदिवासी भाइयों बहनों में, कभी कभी तो बरसात के दिन में हम खेती का हिसाब करते हैं दिवाली पे, खेती वाले को पूछते हैं भाई कितना पका, तो वो कहता है खाद का काट दो, बीज का काट दो, मेहनत का काट दो, तो 25-50 हजार रुपए का भी नहीं पकता। और कोई लड़का लड़की गलती कर ले, गुनाह कर ले, तो एक झटके में डेढ़ ने दो दो लाख रुपए चले जाते। मेरे भाइयों बहनों, जमीन बिक जाती है, चांदी बिक जाती है, और उसके बाद गुजरात जाना पड़ता। मेरे भाइयों बहनों, ये सबसे पहले हमको सोचने की आवश्यकता है। और मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में बैठ के हमारे पटेले तड़विए और गांव के लोगों को बैठ के ये जो गलत हो रहा है इसको हमको रोकना पड़ेगा। और ये जब रुक जाएगा हमारा पैसा बचेगा, और जब पैसा बचेगा हमारे आदिवासी बच्चे बेटा बेटी अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ने से हमको कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मैं आप सब भाइयों कहना चाहता हूँ क्या क्या कमी है हमारे समाज में, क्या क्या गलत हो रहा, इसको सबसे पहले हमको सबको मिलके रोकना पड़ेगा। और सबके मिलके अगर रोक लिया तो आदिवासी भाइयों बहनों को कोई भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज बताओ मेरे भाइयों बहनों, आज से 25 साल पहले हमारे आदिवासी भाई के पक्के मकान थे क्या बताओ? आज जितने भी मकान बनते मेरे आदिवासी भाइयों के पक्के बनते हैं। आज बताओ, यहाँ गाना चल रहा था कि मेरी और क्या खाते, मेरी रोटी खाते, कौन सा गाना है, मिर्ची चटनी रोटी खाते हैं। यह सही बात है, 20 साल 25 साल पहले मक्का की रोटी और मिर्ची खा के हम जिंदगी निकालते थे, लेकिन आज हमारे आदिवासी भाई कोई भूखा नहीं मरता है। आज अनाज बेचता हमारा आदिवासी भाई, जी भर के बेचता, ट्रैक्टर भर के बेचता, आज अच्छा मकान बनाता है, आज अच्छा रहता है। आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोटरसाइकिल है, आज हम आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, मेहनत करोगे तो कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन पढ़ाई अच्छी करना पड़ेगा, पढ़ने वाले बेटा बेटियों को अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा, खेती करने वाले को खेती अच्छा करना पड़ेगा, धंधा करने वाले को अच्छा धंधा करना पड़ेगा, व्यापार अच्छा करने वाले को व्यापार भी करना पड़ेगा। और व्यापार अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे लिखेंगे तो आदिवासी भाइयों बहनों को अलीराजपुर जिले में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आज आप सब भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम संकल्प लेके जाए। आज बताओ अलीराजपुर में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आम होते हैं, होते कि नहीं होते बताओ? अरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आम अगर होते हैं तो अलीराजपुर में होते हैं। और आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज आदिवासी दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूं, हमको संकल्प लेना चाहिए। अभी हम जिला पंचायत के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से अलीराजपुर जिले में 2.5 लाख आम के पेड़ लगा रहे मेरे भाइयों बहनों, और आदिवासी भाइयों का हम दे रहे हैं। अगर किसी को 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, आपके मर्जी अनुसार हम पौधा देने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप आम के बढ़िया पौधे लगाओ। आज जिसके पास आम अच्छे हों, आम की खेती है, आज एक एक लाख, दे दो लाख, तीन तीन लाख रुपया भी मेरे पास वो आया था, हमारा काटी का कार्यकर्ता आया था, उसने कहा विधायक साहब मेरे आम के खेत में 22 लाख रुपए के आम बेचे मैंने। कितने बोलता है? 22 लाख रुपए के आम बेचे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास भी आम है, मेरे पास 5000 आम है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आम की खेती को बढ़ावा देना है हम लोगों को, जिस खेती में हमको फायदा होता है उस खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों बहनों, आज चांदपुर बेल्टे में या बड़ी संख्या में तरबूज होते हैं, तरबूज होते हैं, तो मैं पूछता गांव के लोगों से कितने रुपए के तरबूज बेचते हैं, तो मेरा आदिवासी भाई कहता है कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए के तरबूज मैंने बेचे। और तरबूज की खेती कितने दिन की होती बताओ?
तरबूज की खेती मात्र 1.5 महीने की होती मेरे भाइयों बहनों, 1.5 महीने की 45 दिन में तरबूज आ जाते हैं और बाजार में लाखों रुपए के तरबूज हमारे आदिवासी भाई बहन बेचने लगे। और आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कह रहा हूँ, मैं अलीराजपुर से विधायक 4 बार से हूँ लगातार, और आज मैं मध्य प्रदेश का मंत्री हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ विकास में कोई भी कमी नहीं आएगी। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, अभी मैंने 1800 करोड़ रुपए की नर्मदा सिंचाई योजना मंजूर कराई है मेरे भाइयों बहनों। आने वाले समय में नर्मदा का पानी खेत में आएगा, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा मेरे भाइयों बहनों। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, हमारे अलीराजपुर जिले में हीरे घिसने का काम करते मेरे भाइयों बहनों, हीरा घिसने का काम करते, सूरत में जाते, बड़ौदा जाते, अहमदाबाद जाते, फैक्ट्रियों में जाते, और हीरा घिसने का जो बच्चे काम सीखे, बेटियां काम सीखे, उनके लिए मैं अलीराजपुर जिले में हीरा उद्योग लगा रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, कि हमारे अलीराजपुर जिले के बेटा बेटी यही हीरा घिसने के फैक्ट्री में लगा के दूंगा मेरे भाइयों बहनों। ये काम हम सबको करना है, अलीराजपुर जिले को आगे बढ़ाना, और इसीलिए आप सब लोगों ने मुझ पे पागड़ी बांधी, स्वागत किया है। आज हम लोग टांटिया मामा के गाता स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, और 15 नवंबर को क्या है बताओ, हम भगवान किसको कहते हैं? अरे भगवान किसको मानते हैं? हम भगवान बिरसा मुंडा की जय करते कि नहीं करते बताओ? भगवान बिरसा मुंडा जय करते। उसका जन्मदिन मालूम आपको कब आता है? जन्मदिन मालूम है? अभी आने वाला 15 नवंबर को। कब आने वाला है भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिवस? 15 नवंबर को आने वाला है, और देश के प्रधानमंत्री ने उसको आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया है। और इसीलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आज तो हम आदिवासी दिवस मनाने के लिए हुए उपस्थित, टांटिया मामा का गाता स्थापना के दिन उपस्थित हुए, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन, जो आदिवासी का हर बच्चा बिरसा भगवान को भगवान कहता है, तो 15 नवंबर का जो दिवस है वो भी इसी तरह धूमधाम मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए बताओ? मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? अरे उन्होंने तो असली लड़ाई तो उन्होंने तो लड़ी थी, जल जंगल जमीन और ईसाइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज को बुलंद किया था। आपको मालूम है बिरसा मुंडा ईसाइयों के स्कूल में पढ़ता था, और उस समय जमीन का कर अंग्रेज लेते थे, और जब करज नहीं भर पा बरसात हुई नहीं, 4 साल तक पानी नहीं गिरा था, और उस समय हमारे आदिवासी भाई भूखे मरने लग गए थे, और उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, ईसाइयों की सरकार थी, उस समय बिरसा मुंडा ईसाइयों के स्कूल में पढ़ता था, और उस समय भी भगवान बिरसा मुंडा और पढ़ने वाले बच्चों को कहा कि तुम्हारे माता पिता और तुम सब लोग ईसाई बन जाओ तो तुम्हारा हम लगान माफ कर देंगे। क्या कहा था? अरे लगान माफ कर देंगे। उसी समय बिरसा भगवान ने कहा था कि जल जंगल जमीन हमारी है, अंग्रेज तेरी क्या ताकत है, हमारी जमीन को तू छीन सकता है, और उसी स्कूल को लात मार के भगवान बिरसा मुंडा ने स्कूल को लात मारा और आदिवासी भाइयों बहनों को जगाने का काम करा मेरे भाइयों बहनों। और भगवान बिरसा मुंडा 1875 को पैदा हुए, और 1900 में जवानी में उनको जेल में पकड़ के डाल दिया, अंग्रेज की सरकार ने उसको जहर दे दिया, और जेल के अंदर बिरसा मुंडा को मार डाला मेरे भाइयों बहनों। ये भगवान बिरसा मुंडा, इसलिए आदिवासी भाई बहन और ये देश पूरा आदिवासी भगवान कहता है। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि 15 नवंबर को हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म है जयंती, उसको हम सब लोग धूमधाम से मनाए। यही बात कहते तो हैं, मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। और आप सब भाइयों बहनों, आज बड़ी संख्या में बच्चे नाचने के लिए आए, खुशी मनाने के लिए आए ना, अभी कह रहे अरे साहब का भाषण खत्म हो जाए तो हमारा नाचने का मौका मिल जाए। आज दिन भर नाचने का ही अवसर है, लेकिन भदु भाई और बाकी यहाँ की टीम ने कहा कि नहीं आपको 2 मिनट बोलना है। अब मैं 2 मिनट बोलूँ तो काम थोड़ी चले, मैंने कहा मेरी पूरी बात तो करूँगा, इतने लोग आए हैं तो, और मैं आया हूँ तो पूरी बात करूँगा। तो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी है, अगर सत्य बात है तो हम सब लोग संकल्प ले
हमारे जीवन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इतनी बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। सब भाइयों बहनों ने सुना, सबको राम राम। भारत माता की, भारत माता की।